गौहर शाही मरहबा गौहर शाही सरकार की आमद मुर्शिद की आमद चेहरा नूरानी मरहबा जुल्फे मस्तानी मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा और इस अल्लाह का क्या फायदा है? एक और फायदा है, बहुत जबरदस्त फायदा है, जिससे लोग वली बन जाते हैं। आप देखें, आपका कोई दोस्त अमेरिका में बैठा है, आप उसको 40 दिन दिल से याद करें, यकीन करें उसका खत आ जाएगा दिल को दिल से रहा। और जब आप अल्लाह ताला को दिल की गहराइयों से याद करेंगे, वो तो कई दोस्तों और कई मौ से भी ज्यादा मेहरबान है। हर वक्त अल्लाह अल्लाह करेंगे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह अल्लाह करने से आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी। जब अल्लाह की मोहब्बत हो जाएगी, फिर एक वक्त आएगा, साल में आए, दो साल में आए, 10 साल में आए, आएगा जरूर, फिर वो अल्लाह देखेगा कौन बंदा है, कब से अल्लाह अल्लाह कर रहा है, देखूं तो सही। फिर जब उसने एक दफा देखा तो फिर वो मोहब्बत नहीं रही, फिर वो इश्क का मकाम है, फिर वो कहता है मैं तेरा तू मेरा। जब रब से मोहब्बत होगी, रब से इश्क हो गया, तो रब के हबीब से भी इश्क हो गया, क्योंकि वो खुदा भी नहीं और जुदा भी नहीं। जब रब के हबीब से इश्क हो गया तो सब वलियों से इश्क हो गया। हम चाहते हैं कि अल्लाह अल्लाह से तुम्हारे दिलों में अल्लाह और उसके हबीब और वलियों की मोहब्बत पैदा हो। लेकिन जब हम यहां से चले जाएंगे तो इसी तरह दाढ़ियों वाले तुम्हारे पास आ जाएंगे, वसवसों के जरिए अल्लाह अल्लाह को निकालने की कोशिश करेंगे, दिलों में वसवसे डालेंगे। वसवसों का मकसद ये होगा कि इन दिलों से अल्लाह अल्लाह निकालो। फिर तुम ये सोच लेना कि वसवसे कौन डालता है, कुल औज़ु बिन्नास से पढ़ लेना, पता चल जाएगा वसवसे कौन डालता है, या खन्नास, या जिन, या उनकी तरह के जो लोग होते हैं।